भाई लोग वीडियो पे लाइक जरूर बनता है यार, लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो प्लीज ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंजॉय करो वीडियो। स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। जैसा आप लोग सभी जानते हैं, पिछला रिफ्ट इवेंट का वीडियो में मैंने सारे किंग्स के टैलेंट्स को अनलॉक किए थे और आज मेरा किंग जो है वो लेवल 10 पे पहुंच गया है। अपग्रेड करते हैं, 40,000 पॉइंट्स लगेगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं सुमित गुप्ता गेमिंग के जो बैंक है उसमें काफ़ी पैसे है और यहाँ पे लेवल 11 पे जो 10% डिफेंस है वो इंक्रीज हुआ है। चलिए थोड़ा किंग को कस्टमाइज़ कर लेते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली स्किन जो है हम लोग ये फ्लेमिंग रूलर स्किन चुनेंगे क्योंकि रिगल पर्पल मुझे उतना पसंद नहीं है। डिफ़ॉल्ट स्किन थोड़ा सा ठीक है, फ्लेमिंग रूलर स्किन। वेपन जो है वो हम लोग पास अजूरे वेब वेपन है दोस्तों, जिसमें हम लोग को 10% शेडो डैमेज मिलता है प्लस यूनिक एबिलिटी जो वेपन का है उसमें थोड़ा सा शेडो एनर्जी मिलता है स्टार्ट में। ओपनिंग स्टांस किंग का कंडिसेंसन है हम लोग के पास, लेकिन हम लोग वो इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। प्राइड ज़्यादा सुंदर लगता है किंग पे और रिटर्नल स्लम्बर विक्ट्री पोज। टैलेंट्स की तरफ दोस्तों, एट लेवल 10 जैसा आप लोग देखें रेन ऑफ द टायरेंट, जिसमें शेडो मूव्स में क्रिटिकल मिल जाता है मिडनाइट के टैलेंट की तरह, और सोवर्निटी ऑफ डैम। इसमें क्या होगा दोस्तों, सेक्रीफिशियल पैक जैसे हम लोग दबाएंगे किंग तुरंत रेडी हो जाएगा शेडो मूव करने पे दोस्तों। लेवल 8 पे ब्लास्ट फेमस ओथ लिया है मैंने दोस्तों। इसमें क्या होगा, जब डार्क इनकार्नेशन में किंग जाएगा, आफ्टर लाइफ की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई भी अटैक से उसका हेल्थ रिजनरेट होगा। तीसरा रिमोर्सलेस डोमिनियन, ऑब्वियसली किंग जब शेडो मूव में जाता है तो अपोनेंट स्टन हो जाता है लेकिन कोई डैमेज उसको मिलेगा नहीं क्योंकि सीजलेस नाइट कोई फायदेमंद नहीं है दोस्तों, शेडो फॉर्म इंक्रीज होता है खाली। डार्क वेल यहाँ पे चुन रहा हूँ दोस्तों, जब डार्क इनकार्नेशन में किंग जाएगा तो उसका हेल्थ जो है टेम्पोरली इंक्रीज रहेगा। नाइटमेयर यहाँ पे नहीं चुन रहा क्योंकि कोई फायदा नहीं इस टैलेंट का। और लेवल 1 पे जो मैं टैलेंट यूज़ कर रहा हूँ वो प्रॉमिस्ड पावर है कि जब डार्क इनकार्नेशन में किंग जाएगा तो उसका 50% शेडो एनर्जी जो है वो आ जाएगा उसके पास, और उसके बाद हम लोग सेक्रीफिशियल पैक्ट का इस्तेमाल करके शेडो मूव्स में जा सकते हैं। और किंग का यूनिक एबिलिटी हम सभी को मालूम है कि सेक्रीफिशियल पैक्ट या शेडो एनर्जी जब इस्तेमाल करता है किंग तो रिजनरेट कर लेता है हेल्थ को। अटैक डैमेज जैसा आप लोग देख रहे थे 540 था और शेडो डैमेज 528 था। चलते हैं पहले अपोनेंट की तरफ जो कि है स्टॉर्म ड्रेंजर। शुरुआत ऑब्वियसली लेवल 11 किंग के साथ, सारे टैलेंट्स अनलॉक्ड हैं हम लोग के पास। मुझे लगता है पहला क्रिएटर मैं ही हूँ दोस्तों जिसके सारे टैलेंट किंग के अनलॉक हैं बिना एक भी पैसा खर्च किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। पूरे किंग के रिफ्ट इवेंट में मैंने 200 से ज़्यादा रिफ्ट कीज यूज़ किया है। दोनों वीडियो रिफ्ट इवेंट के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। शुरुआत उसने कीबो से की है क्रिम्सन डेथ स्किन के साथ। जैसा आप लोग देखे दोस्तों, प्राइड स्टांस किंग के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है। लीजन का फ्लैग आता है, ऑब्वियसली किंग है हम लोग का किंग ऑफ द लीजन। यहाँ पे शेडो मूव जैसा आप लोग देख रहे हैं और हेल्थ रीजनरेशन पे गौर फरमाइए दोस्तों, क्योंकि कोई भी अटैक से किंग जो है शेडो मूव में शेडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हेल्थ रीजनरेट कर सकता है, तो काफ़ी बेहतर टैलेंट। सोवरेन ऑफ द डैम्ड के बारे में मुझे जेजी गेमिंग ने सलाह दिया था कि रेन ऑफ द टैलेंट यूज़ ना करो। सोवर्निटी ऑफ डैम्ड में क्या है कि हम लोग को हर समय हम लोग चाहे तो शेडो मूव इस्तेमाल कर सकते हैं। और डैमेज देखिए कीबो का दोस्तों किंग के तरफ, यहाँ पे फिर से मेरा शेडो मूव्स और कीबो ख़त्म है। चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। अपोनेंट के बारे में कुछ कहना फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहूँगा आज 30 मैच खेला हूँ दोस्तों, परेशान हो गया, मूड ख़राब हो गया और सिर्फ कैंपर्स मिले, एक भी अच्छा प्लेयर नहीं मिला। और मुझे लगता है दोस्तों इसने अपनी औकात दिखा दी हम लोगों को और यहाँ पर ये सरेंडर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, लग ही रहा है कि ये सरेंडर कर दिया। कर भी दो भाई। जी हाँ दोस्तों, विक्ट्री। चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ। अर्जा कैंपर हूँ, डोजो 12 का प्लेयर है, जैक बुलवर्क है, सारे डिफेंसिव टैलेंट के साथ, आयरन क्लैड ग्लोबल टैलेंट के साथ, साथ में जेड भी है। राउंड 1 फाइट। अभी तक तो ठीक ही ठाक खेल रहा है। ये क्या खड़ा है दोस्तों खाली, ये चलिए ग्रैब करते हैं और गेम इज पॉज्ड। मेरा कोई इशू नहीं है दोस्तों। कैंसर का एक वीडियो आप लोग के लिए रात में कल डाला था, जो लोग नहीं देखे फिर से जाके देख लीजिए, शैडो फाइट एरिना में कैंसर कैसे आ गया है। शेडो बार मेरा फुल है, मौका ढूंढ के हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। पहले ग्रैब करते हैं, साथ में लो अटैक। ये आ गया दोस्तों, नींद से जाग चुका है ये अपोनेंट। मुझे लगता है कि रगड़ते सो गया होगा और यहाँ पे हैवी अटैक ने जैक बुलवर का काम तमाम कर दिया।
मैक्स लेवल पे किंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 15% और डिफेंस मिलेगा, क्योंकि अटैक डैमेज हम लोग कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। मैंने स्टैट्स देखा है, मैक्स लेवल पे किंग का जो अटैक डैमेज है वो 590 के करीब है और अभी हम लोग के पास 540 है, तो सिर्फ 50 पॉइंट्स बढ़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन डिफेंस हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हर बारी किंग का शेडो एनर्जी या शेडो मूव्स एग्जीक्यूट करना वो बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट्स जो है अच्छे अपोनेंट्स तो बिल्कुल आपको मौका ही नहीं देंगे यूज़ करने का, वो लोग डॉच कर लेंगे। अगला उसका आयरन क्लैड ग्लोबल टैलेंट्स के साथ। सैक्रिफिशियल फैक्ट का ये फ़ायदा दोस्तों कि किंग अपना हेल्थ यूज़ करके तुरंत शेडो एनर्जी गेन कर सकता है, और स्टन टैलेंट के साथ ये इफेक्टिव है दोस्तों लेवल 10 के साथ, जो सोवरेनिटी ऑफ डैम्ड मैंने लिया है, क्योंकि आप जितना हेल्थ लॉस्ट करोगे दोस्तों अगर आपका अटैक सक्सेस रहा तो आप सारा हेल्थ वापस रिजनरेट कर सकते हो और अपोनेंट को हम लोग डैमेज दे सकते हैं। या तो मुझे ग्रैप करना चाहिए था, पता नहीं मेरे से गलती कैसे हो गई, और लगता है मैं डार्क इनकार्नेशन में, जी हाँ दोस्तों मैं डार्क इनकार्नेशन में चला गया। जैसा आप लोग देखेंगे वेपन का सॉरी लेवल 1 का जो टैलेंट है मेरा शेडो पर ऑटोमेटिक फुल है, बचा करके रखने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट राउंड में फ़ायदा होगा हम लोगों को। और यहाँ पे ग्रैब करने चाह रहा था दोस्तों, लेकिन स्टन अब जो देखे आप लोग मुझे उसने बचाया, वो टैलेंट जो है लेवल 3 का रिमोर्सलेस डोमिनियन। और यहाँ पे क्लैड ख़त्म है, चलते उसके आखिरी हीरो की तरफ जो कि मेरे ख्याल से जेट है, शेडो शेल्टर के साथ है। आप लोग से एक बात कहनी थी दोस्तों, आप लोग रिफ्ट कीज को वेस्ट मत करना, आप लोग रिफ्ट कीज बचा कर रखो, हो सकता है आने वाला नया हीरो शायद रिफ्ट इवेंट में आए। आप लोग एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे, पहले रिफ्ट इवेंट जो है वीकली में 2 बार आता था, लेकिन अब रिफ्ट इवेंट जो है वो 1 बार आया है, और इस बार किंग का रिफ्ट इवेंट नहीं आने वाला था दोस्तों। इन लोगों ने जानबूझ के किंग का रिफ्ट इवेंट दिया है ताकि हम लोग अपने रिफ्ट कीज यूज़ कर सकें, क्योंकि अभी 3 रिफ्ट इवेंट आना बाकी है, फायर गार्ड का आना बाकी था दोस्तों और अजूबा का शेडो रिफाइंड भी, जैसा आप लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से कल जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा जो कि मंगलवार होगा, उस दिन मुझे लगता है दोस्तों कि मंकी किंग का रिफ्ट इवेंट आ सकता है, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट वीक लगता है कि शायद न्यू हीरो लॉन्च हो जाए दोस्तों। जी हाँ आप लोग सही सुन रहे हैं, न्यू हीरो तैयार है दोस्तों, बहुत जल्द एरिना में हाजिर होगा। अभी कुछ बता नहीं सकूंगा आपको कि क्या है क्या नहीं है, सारे डिटेल्स समय आने पर बताऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पे लो अटैक और ये अपोनेंट ख़त्म है, चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ दोस्तों, देखते हैं वो कैसा खेलता है। आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा दोस्तों, फ्री जेम्स कैसे एरिना में पा सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट अपोनेंट है चौधरी साहब, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, स्पेशल इफेक्ट्स टैलेंट के साथ, वो भी एपिक वेपन इवेंट्स के साथ। कितना फ़ायदा है दोस्तों, लो लेवल प्लेयर्स को आसानी से एपिक वेपन्स मिल जाते हैं, हम लोग कितने महीने से जद्दोजहद करके सारे एपिक वेपन्स कलेक्ट किए, खास करके मैंने, मुझे अभी भी याद है मेरा पहला वेपन जो था वो लस्टर वेपन था हेलगा का, जब हेलगा का मैंने मैक्स लेवल का रिव्यू किया था पिछले साल, तब का सोच सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया उस वीडियो को। जैसा आप लोग देख रहे हैं इस अपोनेंट को, ऐसा ही अपोनेंट एरिना में भरे पड़े दोस्तों, क्या ही बोल सकते हैं। किंग को अभी भी मेरा मैक्स लेवल जाने में कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि लेवल 12 पे जाने के लिए किंग को 150 कार्ड्स चाहिए और लेवल 13 पे जाने के लिए उनको 200 कार्ड्स चाहिए। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, पहले क्या होता था कि अगर मंकी किंग मेरा मैक्स है तो मुझे सिर्फ किंग्स के लेजेंडरी कार्ड्स मिलते थे, लेकिन अब क्या कर दिए वो लोग इसको चेंज कर दिए, अब क्या है कि आपको किंग के साथ मंकी किंग का भी लेजेंडरी कार्ड्स मिलेगा जो कि कॉइंस में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर ये हॉन्गजू ख़त्म है, चलते हैं उसके नेक्स्ट हीरो की तरफ, मेरे ख्याल से मंकी किंग लेगा। मंकी किंग गौर फरमाएगा तो उसका लेवल 12 पे है, गॉट लैक डेक्सरिटी लिया उसने साथ में सबटल लिमिटेशन, और यहाँ पे इसने सरेंडर कर दिया। आशा करता हूँ दोस्तों किंग के ऊपर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, लेवल 11 के ऊपर कोशिश करूंगा जल्दी मैक्स लेवल करने की किंग को। फिर मिलूंगा, बाय बाय।